लोसल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का असर देखने को मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास सेवा समिति लोसल के बैनर तले गढ़ चौक से आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए थाने के सामने प्रदर्शन कर दातारामगढ़ तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति अध्यक्ष सत्यनारायण रोलन ने बताया कि देश के सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा जो फैसला लिया गया है वो समाज को आपस में लड़ाने का काम किया गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाज इतना कमजोर नहीं है जो इस फैसले से डर जाएगा। भारत बंद के दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा और बंद को सभी व्यापारियों ने समर्थन दिया। रैली समाप्त होने के दौरान समिति अध्यक्ष ने सभी व्यापारियों और प्रशासन व अन्य लोगों को बंद को सफल बनाने को लेकर धन्यवाद कहा और लोसल पूर्णतया बंद रहा। किन मुद्दों को लेकर सर आपको ज्ञापन दिया गया है? आज अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के द्वारा संपूर्ण भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में सीकर जिले की दातारामगढ़ तहसील के उप तहसील लोसल में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के करीब 500 समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा रैली निकाली गई। संपूर्ण बाजार पूरा इसका समर्थन था, संपूर्ण मार्केट बंद था, दुकानें बंद रखी, व्यापारियों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया और करीब 11 बजे रैली शुरू हुई, जो पुलिस थाना लोसल के सामने आकर समुदाय ने अपनी रैली का समापन किया और इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा जो 1 अगस्त 2024 को एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण के संबंध में एक निर्णय पारित किया गया था, उसके संबंध में उसके विरोध स्वरूप की क्रीमी लेयर की व्यवस्था इसमें नहीं होनी चाहिए और इसके संबंध में आरक्षण के संबंध में संपूर्ण प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा संसद में कोई अधिवेशन अधिनियम पारित करके ही कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए। इन बिंदुओं को लेकर एससी एसटी वर्ग के सदस्यों के द्वारा ज्ञापन तैयार किया गया और मुझे तहसीलदार दातारामगढ़ को ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए दिया गया, जिसे माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से इसको पहुंचा दिया जाएगा। जब ये आज लोसल की सरजमी पर अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति की ओर से बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें दूर दराज के गांवों से लोगों ने पधार कर इस बंद में हमारा साथ दिया, हमारी बुझाई मजबूत की, उन सभी साथियों का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही यहां के व्यापार मंडल लोसल, यहां के व्यापारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमारे आह्वान पर हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए इस लोसल को बंद करने में हमारी सहयोग किया, हमारी मदद की, उन तमाम लोगों का हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं, हमने ज्ञापन दिया है माननीय तहसीलदार साहब को कि हमारी जो मांग है कि एससी एसटी जो क्रिमिलियर है, कोटे में कोटा आप डाल रहे हो, ये असंवैधानिक है, इसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेते हो तो फिर से हमें क्रांति करनी पड़ेगी, फिर से हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हमारा माननीय प्रधानमंत्री और सरकार से निवेदन रहेगा कि इस जो प्रावधान है, इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में आप तुरंत डाल दीजिए, ताकि रोज रोज का जो प्रपंच है, ये झगड़ा है, ये खत्म ही हो जाए। क्योंकि आज भी हमारे समाज के बहुत से लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास रोटी कपड़ा मकान तक नहीं है, उन लोगों को कहां क्रीम मिल गई? अभी क्रिमिलियर नहीं, क्रीम तो हमारे पास आई ही नहीं, हमारे पास तो रोटी भी नहीं है। हमें शिक्षित बनने दीजिए, हम अभी तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो नवजात है, हमें आगे बढ़ने दीजिए। मैं सरकार से गुहार करूंगा, सरकार से आह्वान करूंगा और गुजारिश करूंगा कि हमारी बात को माने और सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे कि इस फैसले को वापस लिया जाए और जो कोटे में कोटा है, इसके हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जनजाति अनुसूचित जाति संघर्ष समिति इसके खिलाफ ज्ञापन दिया है और हम इसके कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जय भीम, जय भारत।